नववर्ष की पूर्व संध्या पर जिस तरह से पुलिस ने संदेश दिया था कि हुड़दंगियों और शराबियों को जिस तरह से वो नया साल आराम से मनाए, नहीं तो उनको हवालात में जाना पड़ेगा। साथ ही आज पूर्व संध्या पर पुलिस कमिश्नर जोस मोहन आज निकले थे सड़कों पर और खास तरीके से निकले थे। वो आज किसी से गार्ड के साथ नहीं, साइकिल पर निकले थे। क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरह के हालात रहे और क्या जायजा लिया, जानना चाहते थे, बताइए। देखिए, आज शहर का एक विजिट किया था, साइकिल पर गया था और जाके भीतरी शहर का भी देखा है, बाहर सरदारपुरा क्षेत्र देखा है, रेलवे स्टेशन, उदय मंदिर का क्षेत्र है, अलग अलग इलाकों में भ्रमण करके वहाँ का जो पुलिस व्यवस्था है, जवान जो तैनात है वो कितने मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं, बाकी जनता कैसे है, अभी कोरोना का केसेस बढ़ रहे हैं उस स्थिति में जनता में कितने कंप्लेंट्स हो रहे हैं, कितने भीड़ भाड़ है, ये सब भी देखा है और कुछ लोगों से भी विशेष वन टू वन बात हुआ है। उनको पता नहीं था वो कौन बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, इवन जवानों से भी बात किया है, उनसे एक फीडबैक और फीलर भी लिया है और ओवरऑल शहर का पूरा व्यवस्था देखा है। नहीं सर, जिस तरह से आपने जायजा लिया उस दौरान आपको कितने जवान मुस्तैद मिले और अब आपको क्या लगता है कि जैसे कि आने वाले दिनों में भी आपकी सख्ती रहेगी कोरोना को लेकर, मास्क नो मास्क नो जोन एंट्री के लिए? हाँ, निश्चित रूप से कल से एक विशेष अभियान चलाने का भी इरादा है, जिसमें मास्क नहीं पहन के जो लोग जा रहे हैं उनको सतर्क भी किया जाएगा और जहाँ ज़रूरत है वहाँ कानूनी प्रक्रिया भी अपनाया जाएगा। सर, ऑपरेशन तौबा चल रहा है, उसके तहत कितने लोगों को डिटेन किया गया है? अभी करीब 325 लोगों को किया है, आज का स्टैटिस्टिक्स और देखना है। और जो सार्वजनिक स्थल पर शराब पी के घूम रहे या शराब पी के वाहन चला रहे या नशे में घूम रहे, इनके खिलाफ एक विशेष अभियान चल रहा है और उसके तहत समाज में व्यवस्था बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आज नए साल की पूर्व संध्या पर जिस तरह से जोधपुर पुलिस कमिश्नर जोस मोहन निकले थे, तो वो एक आम आदमी की तरह निकले थे और उन्होंने लोगों से और पुलिस के जवानों से बात की और उनको ये लगा, सारा फीडबैक भी लिया, उसके बाद लग रहा है कि जनता में जागरूकता है, जागरूकता तो है लेकिन थोड़ी सी कमी है जिसको भी पूरा किया जाएगा। कल से एक अभियान चला के जोधपुर से करणपुरी एबीपी न्यूज़। ABP News, आपको रखे आगे।